जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी। दोस्तों आज हम प्रश्न ले रहे हैं मैथ के प्रतिशतता। इसमें प्रतिशत के जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये बेसिक के लिए आपको आज का जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक है, ये आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपको ये पता है तो फिर आप प्रतिशत के आगे जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उनको कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सिर्फ बेसिक पढ़ा रहा हूँ इसका प्रतिशत का, किस प्रकार से इसका प्रतिशत ज्ञात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है बटा सो। प्रतिशत का मतलब होता है कि बटा, अगर किसी संख्या के प्रतिशत लगा हुआ है जैसे 12%, तो इसका मतलब है कि 100 में से 12, यानी बटा क्या हो गया 12/100, यानी 100 में से 12। तो ये फिक्स प्रतिशत का मतलब होता है, जहाँ प्रतिशत लगा है उसका मतलब है बटा 100। अब ये क्वेश्चन आप पढ़िए एक बार कि 600 का कितना प्रतिशत है। जो 600 है किसका प्रतिशत ज्ञात करना है, 800 का, यानी 800 का ये कितना प्रतिशत है। तो जिसका प्रतिशत ज्ञात करना है उसको हमेशा नीचे लिखना है इस प्रकार से, ठीक है। और क्या है 600 800 का कितना प्रतिशत है। तो अब यहाँ पर कोई प्रतिशत का चिन्ह नहीं है, हमको प्रतिशत का चिन्ह लाने के लिए, जब प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100, तो प्रतिशत का चिन्ह लाने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई 100, तो हमको इसमें गुना 100 लिख देना है। अब आप इसको हल कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 3 4 का 25 बराबर 25 75 25 × 3 75। अभी आ गया आपका प्रतिशत का चिन्ह, कितना प्रतिशत पूछा है ना। तो जब हमको प्रतिशत ज्ञात करना रहता है तब हमको क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई 100 करना है, और जब हमको प्रतिशत से संख्या लाना है तब आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 100 करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक और क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का, यदि 25/2 का एक्स प्रतिशत 150 है तो एक्स का मान क्या है। यदि 25/2 का एक्स प्रतिशत 150 है तो एक्स का मान, इस प्रकार के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, जैसा लिखा वैसा कर देना। 25/2 का, दो का मतलब आपको सभी को पता होगा मल्टीप्लाई का, एक्स प्रतिशत, एक्स प्रतिशत को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स बटा 100, जहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा उसको ये लिख सकते हो, बराबर 150 है, बराबर कितना दोस्तों 150 है। तो हमको अब एक्स ज्ञात करना है, तो अब क्या करना है, आप सीधा सा इसको यहाँ से कट भी कर सकते हो, 25 का इसमें 4 बार कितना हो गया दोस्तों, ऊपर 1 आ गया, नीचे क्या हो गया, एक्स बटा 8 बराबर 150। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 150 × 8, 0 8 5 40 का 0 4 और 8 12 1200, ये आपका आंसर हो गया बिल्कुल ईजी। और क्वेश्चन देखिए आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा पूरा। 850 से 40% अधिक क्या है, 850 से 40% अधिक, यानी 850 से 40% अधिक का मतलब क्या हो गया कि 140%। तो हमको क्या करना है, 800 का क्या ज्ञात करना है दोस्तों, 850 है, इसका क्या ज्ञात करना है 140%। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे, 140% ज्ञात करना है ना, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह दिया हुआ है ना, तो हम बटा में क्या लिखेंगे 100। अगर हमको प्रतिशत ज्ञात करना होता तो क्या किस में लिखते 100 को, मल्टीप्लाई में, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, अब 14 को 85 से गुणा कर लीजिए, आपका इजीली आंसर आ जाएगा 85 × 14, तो कितने हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1190। तो यानी ये 850 का कितना है, 40% अधिक 850 से। इसको आप और भी एक तरीके से कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, उसमें कुछ नहीं है, 850 से 40% अधिक है, तो इसका मतलब 850 का आप कितना ज्ञात कर लो, 40% ज्ञात कर लो, और फिर वो 850 में जोड़ दो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 चौक 20, हाथ के 2 8 चौक 32 34, 300 ये जो 40 है इसको 850 में जोड़ दो, इसको 850 में जोड़ोगे तो वही आ जाएगा 1190। ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। जब किसी संख्या का 40%, यानी कोई संख्या है जिसका 40% अगर हम 42 में जोड़ दें, जो भी इसका 40%, तो हमको वही संख्या प्राप्त होती है जो मेन संख्या है, जो मेन संख्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि ये 42 है किसके बराबर है, अगर 40% इसमें जोड़ा जाए तो फिर वो संख्या प्राप्त होती है, तो मतलब ये कितना परसेंट के बराबर है, 100 में से अगर 40 गए तो ये किसके बराबर है दोस्तों, ये 60% के बराबर है, किसके बराबर है, 60% के बराबर। क्यों है कि किसी संख्या का 40% यानी 40% अगर 42 में जोड़ दे तो फिर वो 100% बन जाएगी,
40% अगर 42 में जोड़ दें तो मतलब ये 40 और इधर कौन सा हो गया, बच गया कितना 60, तभी तो 100 बनेगी ना। तो ये किसके बराबर है, 100% के बराबर। तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो अब हमको पता चल गया कि 60% के बराबर कितना है, 42। तो अब हमको क्या करना, संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करते समय हमको क्या करना होता है कि जो 60 नीचे और 100 कहाँ जाएंगे, ऊपर। तो यानी 60% बराबर कितना है, 42। तो संख्या क्या है वो, तो 0 से 0 काट दो, 6 7 42, 7 बार बराबर 70। तो वो संख्या क्या है दोस्तों, 70। ये बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हो, यानी किसी संख्या का 60% बराबर 42। 60% को हम कैसे लिख सकते हैं, 60/100 बराबर 42। अब क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा 60 और 100 किधर चला जाएगा, ऊपर। बिल्कुल आसान तरीके से आप 70 आपका आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत बार आया होगा, आपने कहीं देखा होगा क्वेश्चन, ये बहुत बार आता है। किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 बचते हैं, तो वह संख्या क्या है जी। क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों कुछ नहीं कह रहा आपको, सिर्फ ये कंफ्यूज कर रहा है। किसी संख्या के 25%, जो भी 25% है उसमें से 25 घटाने पर 25 बचते हैं, यानी 25 घटाने पर 25 बचते हैं। तो यानी पूरा 25% कितना है, 50। 25 घटा रहे हो, जैसे अगर मान लो कि वो संख्या 50 है, इसमें से हम 25 घटा देंगे तो कितनी बचेगी, 25। तो यानी वो संख्या क्या है दोस्तों, 50 है, यानी 25% के बराबर कितना है, 50। तो 25% का मतलब 25/100 बराबर 50। तो अगर वो संख्या ज्ञात करनी है तो 100 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, 25 नीचे। तो क्या हो जाएगा, 100 × 50/25 बराबर 200। तो वो संख्या 200 है। बिल्कुल इजीली इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कर सकते हो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। जय हिंद।